वैसे तो नोएडा में ज्यादातर बड़ी बड़ी कंपनियां, इमारतें, हाईवे, फ्लाईओवर्स, लोगों की भागदौड़ भरी जिंदगी देखने को मिलती है, लेकिन इन सब के बीच नोएडा में कुछ जगह ऐसी भी हैं जो किसी के मन को मोह लेंगी, उसे अपार शांति प्रदान करेंगी। इनमें से एक है बोटैनिकल गार्डन। हम आज के नोएडा के इस कार्यक्रम में बोटैनिकल गार्डन के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बोटैनिकल गार्डन की नींव साल 1997 में रखी गई थी, लेकिन अप्रैल 2002 में ये कार्यरत हुआ। इसे नोएडा के सेक्टर 38 ए में बनाया गया है। जानकारी के मुताबिक इसे पौधों की विविधता को संरक्षित रखने और इनमें शोध और प्रशिक्षण संबंधी कार्यों के उद्देश्य से बनाया गया था। ये करीब 165 एकड़ जमीन में फैला हुआ है, जिसमें औषधीय पौधे, झाड़ियों समेत 5000 से ज्यादा पेड़ पौधे हैं। इनमें भारत के अलग अलग हिस्सों से लाई गई 350 प्रकार की प्रजातियों के पौधे शामिल हैं। आपको बता दें कि 26 ऐसी प्रजातियों का संरक्षण किया जा रहा है जिन पर विलुप्त होने का खतरा है। यहाँ पर एक हर्बेरियम भी बनाया गया है, जिसमें एंजियोस्पर्म समूह के 1500 स्पेसिमेंस का रखरखाव किया जा रहा है। ऐसे में ये स्थान जैव विविधता के संरक्षण, वनस्पतिक शोध और प्रशिक्षण का अच्छा केंद्र बना हुआ है। परिवार के साथ घूमने के लिए बोटैनिकल गार्डन एक अच्छी जगह है, जहां आपको शांति सुकून के साथ साथ अच्छा वनस्पतिक ज्ञान भी मिल जाएगा। ऐसे में आप भी अपने करीबियों के साथ बोटैनिकल गार्डन जरूर घूमें और इसका आनंद उठाएं। आज का नोएडा के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नोएडा से जुड़ी ऐसी तमाम रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। गगनचुंबी इमारत, कॉरपोरेट ऑफिस समेत नोएडा की भव्यता में अगर कोई चार चांद लगाता है तो वो है नोएडा के अलग अलग सेक्टरों में बसे आलीशान मॉल, जहां विशेषकर शाम के समय लोगों के घूमने का तांता लगा रहता है। दैनिक रोजमर्रा की तमाम चीजों से लेकर फिटनेस और टेक्नोलॉजी जैसे स्टोर्स लोगों को अपनी ओर खूब आकर्षित करते हैं। आज हम आपको नोएडा के कुछ चुनिंदा मॉल से अवगत कराएंगे जिसके कसीदे खूब गढ़े जाते हैं। सेक्टर 38 में बसा द ग्रेट इंडिया प्लेस, यानी कि जीआईपी मॉल देश के बड़े मॉल में से एक माना जाता है। लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट में फैले इस मॉल में लगभग 230 ब्रांड के स्टोर हैं। रेमंड, जूडियो, मैक्स, पैंटालून जैसे ब्रांड मॉल की शोभा को बढ़ाते हैं। वेब मॉल नोएडा अपने आलीशान बिल्डिंग के चलते आज आसपास की जगह का लैंडमार्क बना हुआ है। ये मॉल एक ही छत के नीचे ग्राहकों को प्रीमियम ब्रांड्स, फूड स्टोर्स और नाइट क्लब जैसी तमाम सुविधाएं देता है। डीएलएफ मॉल की शानो शौकत किसी से छुपी नहीं है। मूवी थिएटर, रेस्टोरेंट समेत गेम्स और फन एलिमेंट इस मॉल को काफी ग्लैमरस बनाते हैं। इंटरनेशनल और नेशनल ब्रांड्स के स्टोर लोगों को शॉपिंग के लिए खूब आकर्षित करते हैं। गार्डन गैलेरिया अपने परिसर के आकर्षक डिजाइनिंग के लिए खूब जाना जाता है। शाम के समय अक्सर लोग यहाँ फोटोज लेते और रील्स बनाते हुए खूब देखे जाते हैं। वर्ल्ड क्लास बार, सैलून, स्पा और पार्टी करने के लिए उत्तम जगहों जैसी चीजों के लिए ये मॉल युवाओं की पहली पसंद बनी हुई है। इन चुनिंदा मॉल्स को छोड़कर ग्रीन इंडिया प्लेस, शॉपरिक्स, मॉल ऑफ नोएडा जैसे कई मॉल्स नोएडा और आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की तमाम जरूरतों को पूरा करते हैं। यहाँ लोग अपनी पसंद के इंडोर गेम्स, पसंदीदा व्यंजन, बार, नाइट क्लब जैसी सारी चीजों का आनंद बड़े आसानी से उठा सकते हैं। आज का नोएडा के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नोएडा से जुड़ी ऐसी तमाम रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं, आप भी दिल्ली एनसीआर जैसे इलाके की भागदौड़ भरी जिंदगी, शोर शराबे से दूर शांति चाहते हैं, आपको भी घंटों तक किसी नदी के किनारे पक्षियों की चहचहाट के बीच बैठना पसंद है, तो आज का नोएडा का ये कार्यक्रम आप ही के लिए है। हम आपको बताने वाले हैं नोएडा की ऐसी ही एक खास जगह ओखला बर्ड सेंचुरी के बारे में। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। ओखला
नोएडा बर्ड सेंचुरी, जिसे पक्षियों के लिए स्वर्ग कहा जाता है, ये नोएडा में लगभग 4 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैली हुई है। ये उस स्थान पर स्थित है जहां यमुना नदी दिल्ली को छोड़कर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। इसे यूपी सरकार ने साल 1990 में पक्षी अभयारण्य घोषित किया था। आपको बता दें कि ये भारत के 466 इंटरनेशनल बर्ड्स एरियाज में से एक है। इस अभयारण्य की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ ओखला गांव के पश्चिम में नदी को बांधकर एक झील बनाई गई है, इसी में ये अभयारण्य विकसित हुआ है। बात करें अगर यहाँ के जैव विविधता की, तो यहाँ पक्षियों की 320 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें 20 सामान्य निवासी जल प्रजातियाँ, 44 सामान्य निवासी थल प्रजातियाँ, 43 प्रवासी जल प्रजातियाँ और 26 प्रवासी थल प्रजातियां पाई जाती हैं, जबकि 10 प्रकार के स्तनधारी, 8 प्रकार के रेप्टाइल्स, 2 प्रकार के उभयचर जंतु और 30 प्रकार की तितलियां भी यहां अपने पैर जमाए हुए हैं। तो वहीं पौधों की प्रजातियां भी कुछ कम नहीं है, उनकी भी 188 प्रजातियां मौजूद हैं, जिनमें जड़ी बूटियां, झाड़ियां, घास और क्लाइंबर प्लांट्स शामिल हैं। ऐसे में इन सब चीजों का एक साथ मनोरम दृश्य आए हुए आगंतुकों के मन को मोह लेता है, तो फिर ऐसी सुंदर जगह में दोस्तों, सगे संबंधियों के साथ आना तो बनता है। अभी फिलहाल आज का नोएडा कार्यक्रम में बस इतना ही। नोएडा की तमाम जानकारियों से जुड़े रहने के लिए आज का नोएडा पेज को फॉलो करें और बेल आइकन दबाएं।